आदि सप्पन साहब हमारे नमस्कार। मैं रवीश कुमार, हम चकनवाला इलाका में हैं जो अमरोहा संसदीय क्षेत्र के धनौरा विधानसभा में है, हाँ। है ना। और ये गंगा की नहर है आप जो देख रहे हैं, लोगों ने ही, और ये शायद वन अधिकृत क्षेत्र है तो वन विभाग की भी अनुमति की ज़रूरत होती होगी, पर लोग इस जगह से उस जगह जाने के लिए इस पॉन्टून पुल का इस्तेमाल करते हैं जो एक तरह से धंसा हुआ है। दरअसल हम बहुत मेहनत से यहाँ आए हैं क्योंकि क्या होता है कि जब भी इलेक्शन आता है तो भूगोल और समीकरण, मतलब जातियों के प्रभाव या धर्मों के प्रभाव के कारण कुछ इलाके मशहूर हो जाते हैं और उन्हीं इलाकों में हम चुनाव दर चुनाव जाते हैं। इतना कम समय होता है कि हम इस तरह के अनजान इलाकों में तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो हम जा रहे हैं, हमें बताया है हमारे साथ जो सज्जन चल रहे हैं साजिद, वो कह रहे हैं कि चकनवाला से थोड़ा एक किलोमीटर दूर आगे जाने पे खड़गवंशी समाज का गांव है। ये खड़गवंशी समाज जो है वो रेत, गंगा के किनारे की जो रेत है इस पे खरबूज तरबूज वगैरह वो गर्मी के फल उगाते हैं। तो देखेंगे कि वहाँ भी उम्मीदवार कितनी मुश्किल से पहुँचते होंगे जब ये रास्ता ही नहीं है तो जाने के लिए, और अगर हम डूबने से बच गए तो लौट के भी आएंगे फिर, हाँ। तो प्राइम टाइम में हम अपने दर्शकों को आज एक अनजान से समुदाय के बीच ले जाने के लिए, हम एक अनजान से और बहुत ही मुश्किल रास्तों से, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इलाका है बड़ा ये सुंदर, समस्याएं तो हैं और हवा इतनी साफ और स्वच्छ है कि ऐसे लग रहा है कि फेफड़े में जान आ गई हो, है ना। ये यही रास्ता आप लोग इस्तेमाल करती हैं, हाँ? हाँ। नाव का भी करा है, नाव भी है, नाव भी चलती है। तो ये उम्मीदवार आया आपके पास प्रचार करने के लिए? यो तो अभी बना पुल था ना, भी किसने बनाया पुल? ये पुल लोगों ने बनाया कि बनवाया है? ये उम्मीदवार आया प्रचार करने के लिए? लोगों ने बनाया। कोई चुनाव का उम्मीदवार आया वोट मांगने के लिए? आते सब हैं, हैं? जी। बोल के सब जाते होंगे कि पुल बनवा देंगे। सभी जावे हैं बोल के, हैं? बोल के तो सभी हर चुनाव में सब बोलते हैं। जी चुनाव में तो सब यू है कि बस हमें वोट दे देंगे ये लोग, आता कोई नहीं है यहाँ। फिर चुनाव होने के बाद ना कोई नहीं लौटने का इधर को, कोई नहीं आता, किसी भी पार्टी का नहीं आता, कोई भी पार्टी का नहीं आता। एक आध पार्टी की बात थोड़ी है, कोई भी नहीं आता, नहीं जी कोई नहीं। देखिए इतना सुंदर और भव्य इलाका है मोहम्मद साहब, ये दृश्य जो है इसको पश्चिम उत्तर प्रदेश के पर्यटन पे होना चाहिए। तो दिल्ली वाले आके यहाँ पर पिकनिक मना सकते थे, एक तरह से बीच का काम कर सकता था, इतना रेत किनारे रेत इसमें बैठ के लोग पिकनिक मना सकता था, तो स्थानीय पर्यटन भी हो सकता था। लेकिन हम सब भी एक तय जगहों पे भी जाने के आदि हो गए। तो आप कह रहे हैं कोई भी पार्टी का उम्मीदवार हो जनाब नहीं होता? नहीं आता पार्टी का, ऐसे तो अब तो चुनाव का दौरा, अब तो हरे पार्टी का आएगा, कोई वो आने के लिए आ जाएंगे, जीतने के कोई भी पार्टी का जीते हुए नहीं लौटेंगे, जीतने के बाद में कोई नहीं लौटेगा। आप लोग खड़गवंशी हैं? हाँ जी। खड़गवंशी लोग क्या होता है, क्या करता है वो लोग, हम लोग नहीं जानते हैं, मतलब थोड़ा और बाकी देश समाज के लोगों को भी बताइए आप लोग क्या करते हैं। अपने वही किसानी का, खेती किसानी का काम है। अच्छा, और क्या, खेती बाड़ी करते हैं। संख्या में कम है, कम है आप लोग? हाँ कम है, हाँ इधर तो कम है, कम है। मतलब आप लोग रेत पे ही खेती करते हैं ज्यादा या रेत? इस रेत खरबूज वगैरह बता रहे थे कि खरबूज खरबूजा तरबूज अरे गन्ना गेहूँ ये सब उगाते हैं? हाँ यही सब उगा मैं। आप लोगों के समाज में से कोई विधायक उधायक बना है कि नहीं बना है? इधर से नहीं है जी कोई भी, अभी नहीं बना है, किसी और जगह बना होगा तो बना होगा ना, इधर नहीं है हमारी तरफ। पर ये रास्ता ये पुल कौन कौन पार्टी वाला बुलाया कि पुल बनवा देंगे जी? सभी जो भी आ रहा वो सभी लोग, हाँ वादा करके जामे फिर कोई नहीं आते हैं और बोल देते हैं कि हम पुल बनवा। एक बात बताइए कि आप लोग फिर जो वोट देते हैं तो किस आधार पर वोट देते हैं, क्या सोचते हैं जब आप हर दल के नेता को देख रहे हैं कि ये बोल के जाता है ना तो लौट के आता है ना काम कराता है, तो फिर वोट किस आधार पर देते हैं? जी बस इसी तरह नए पार्टी आती है कोई, हाँ। अभी समाजवादी आई, उससे बाद में बीजेपी आ गई, उससे बाद में बहुजन आ गई, तो इसी अंधविश्वास पर हम वोट दे देते हैं, हाँ। और 5 साल ही गुजर जाते हैं, हमारे बारे में कोई सुनवाई नहीं होती है, होता कुछ नहीं। आप लोग होता कुछ नहीं है, ये 10,000 की आबादी के लगभग रास्ता है, हाँ। और यहाँ पे ये एक पुल ये है, एक पुल उधर है, हाँ। इन्हीं से ये 10,000 की आबादी
इधर उधर कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर वाला पुल अच्छा है यही एक टूटा हुआ है, वो इससे भी ज्यादा खराब है, वो इससे भी ज्यादा खराब है, दोनों एक ही कंडीशन के। और आप लोगों का यही एक रास्ता है, कोई ये भी तो नहीं कि उधर से कोई रास्ता लंबा हो, उधर भी रास्ता नहीं है। तो रात बिरात अस्पताल जाना हो तो आपको इसी से जाना पड़ेगा। हाँ जी, ये भी बरसात में टूट जाते हैं, बारिश के दिनों में। हाँ, बारिश के दिनों में नाव चलती है जी, बारिश के दिनों में। ये तो अभी रहेगा ये एक दो महीने, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। एक तो ये बहुत ही, ये वो गाड़ी जो कभी पीछे जितनी जा रही है आगे आ रही है, ये जा रही है आ रही है, वो तो वही डिसाइड नहीं कर पा रही है कि करना क्या होता है। ट्रैक्टर नहीं थम पाते, नीचे भी गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, ट्रैक्टर भी गिर, गाड़ी भी गिर जाती है, ट्रैक्टर गिर जाते हैं। ओहो, तो एक तरह से आप नाव डूब जाती है, नाव भी डूब जाती है। इलाका बहुत सुंदर है मोहम्मद साहब के, आप कैमरे से देखिए तो एकदम से अद्भुत दृश्य का एकदम से निर्माण होता है यहाँ पे। लेकिन इस खूबसूरत इलाके में भी सरकारों ने और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने अपनी नाकामी की जो इमारत यहाँ बनाई है उससे देखिए कि कितनी तकलीफ लोगों की बढ़ गई है, भयावह है। चुनाव के समय सब वादा कर देते हैं कि हम पुल बनवाएंगे, लालच में हम लोग वोट दे देते हैं, उसके बाद में जब उनसे पूछते हैं सेंचुरी में है ये क्षेत्र, इस वजह से नहीं तो सेंचुरी में क्षेत्र है तो इसका समाधान तो होगा ना। सेंचुरी में क्षेत्र है तो ठीक है, वन विभाग के अपने नियम होते हैं, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, मैंने कोई ऐसा थोड़ी कि जिंदगी निकल जाए। सर, नवासी से नहर चल रही है जब से पुल की आवश्यकता, जब से कोई जब से पुल, तो नवासी से तो कितनी सरकारें आई और गई, सब सब वादा करके चले जाए, फिर कोई वो तो सेंचुरी में तो मोटी बात है। ये पुल भी झाड़ो झाड़ो बनता है बस, इसके बाद बरसात में पुल के साइड से लग जावे, फिर नाव द्वारा कारण इसका प्रवाह तो रुका ही हुआ है, तो वो पुल भी बन जाए तो लोगों को भी ये ज्यादा इसका नुकसान नहीं हो पानी का। ये वो सभी तो भर के चला है जब है तक, जब जब बहुत खतरा रहा है इसकी। तो ये आते हैं हर बार आते हैं तो किस तरह से क्या बोलते हैं इनको, क्या मुंह रहता है? बोलते हैं कि आपका वोट दो, कामयाब बनाओ हमें, हम पुल बनवाएंगे। अच्छा, उसके बाद में फिर जो मना कर देते हैं कि ये है वो है। आप लोग अपनी जाति के हिसाब से वोट देते हैं या नहीं? जाति के नहीं, सिर्फ इस लालच से, विकास के लालच से देते हैं, विकास की लालच से वोट देते हैं, जो कहता है उसको देते हैं। और हर किसी ने कहा और हर किसी को आपने वोट दिया? नहीं, जिसकी देखते हैं नई सरकार है, जो पहले देख लिया उसे बदल देते हैं, दूसरे को दे देते हैं, फिर आप दूसरे ने भी नहीं बनाया तीसरे को देते हैं, लेकिन ये पुल नहीं बनता, पुल नहीं बनता। जबकि यहाँ इधर जो है ज्यादातर खड़गवंशी लोग, खड़गवंशी का कोई प्रतिनिधि खड़ा नहीं होता, जाति को देख के वोट दे में तो संख्या कम है, इसलिए नहीं, संख्या ना संख्या काफी है लेकिन जाति एक ही अधिकतर, विधानसभा के हिसाब से तो जाति कम है ना, बहुत थोड़ी जाति है यहाँ पे। इसी बहस को चलता है कि किसी सरकार ने काम नहीं करा यहाँ पे, निर्दलीय भी MP MLA बना के भेजते इधर से, लेकिन निर्दलीयों ने भी कुछ नहीं करा। आपने निर्दलीय को भी चुन के दे दिया है? निर्दलीय को भी चुन के दे दिया, तो आपने निर्दलीय को भी चुन के दिया, वो भी उन्होंने भी निराश कर दिया, MP भी बना दिया इधर से, MLA भी बना दिया निर्दलीय भी, लेकिन पड़ती है कोई किसी और दूसरे कैंडिडेट को वोट नहीं पड़ता। आपकी जाति का कोई उम्मीदवार तो होता नहीं, आप हमेशा दूसरी जाति के उम्मीदवार को देते हैं, तो आपके आपकी प्राथमिकता में विकास होता है। जी, मैंने RTI से जवाब मांगा था तो उन्होंने कहा था कि जब तक NOC पास नहीं होगी सेंटर से तब तक ये पुल नहीं बनने का। किसी NOC का मतलब कब कब मांगा था आपने? RTI से किससे जवाब मांगा था? ये भी दिखाता हूँ, मोबाइल में ही लेके चलते हैं, बताइए। लोग जब समस्याओं से जूझते हैं तो क्या क्या मतलब उनको करना पड़ता है। कब 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 लिया था लेटर आपने? जून जुलाई में मांगा था। तो आपने जिला प्रशासन से मांगा था RTI से? जी सर, जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन ने बताया कि सेंटर से आपको नहीं मिल रहा है इसके पुल बनाने की अनुमति, चूंकि ये सेंचुरी एरिया जी, है जी, जी। तो जरूर लगता है कि किसी सचिव के पास इसकी समस्या ठीक से नहीं पहुंची होगी, पहुंचती तो यहाँ पुल तो बना ही हुआ है, तो एक ढंग का पुल बनने में क्या दिक्कत है? आखिर वो मुझे बुलाया था वहाँ पे अमरोहा बाटखंड विभाग में, तो कहा है कि जब तक तुम्हारा सेंटर का कोई नहीं पास करा देता तब तक ये पुल नहीं होने का, राज्य सरकार नहीं कराएगी इस पुल को, साफ कह दिया था उन्होंने। चले चले आज आपका गांव भी देखते हैं, आ जाइए। क्या नाम है गांव का सर? कितना ज्यादा दूर मत ले जाइएगा, तो अब तो गाड़ी से चलना पड़ेगा। गाड़ी तो मेरी उधर रुक गई है, तो मोटरसाइकिलों में बैठो। चलो, हेलमेट नहीं है, हेलमेट नहीं है यहाँ पे, इनके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन समस्या और जनता तक तो पहुँचना ही है ना, तो क्या करें। अब हम लोग जा रहे हैं बिना हेलमेट के, लेकिन फिर भी लोगों तो इन गांव तक पहुँचने का जब रास्ता नहीं है तो कैसे पहुँचेंगे। चलिए चलिए, ये कौन सा गांव है? शीशो वाली गाँव है ये, तो इसकी सड़क की आप हालत देखिए। भले ही बहुत सारे गाँव में सड़क बन गई हो, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक दावा कर रहे हैं कि
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से लेकर जो राज्य में भी गाँव के लिए सड़क योजना चलती है, लोहिया सड़क योजना और क्या जनेश्वर मिश्र योजना है, कुछ इस तरह की सड़क की योजनाएं चलती हैं, लेकिन यहाँ इस गांव में इसकी हालत अच्छी नहीं है। तो ये एक गांव की कहानी हो या दस गांव की कहानी हो, बात यह है कि एक मतदाता के तौर पे मतदाता को राजनीतिक दलों को लेकर सामूहिक असुरक्षा की भावना से बाहर आना चाहिए और काम के आधार पर सवाल करना चाहिए कि जितनी भी योजनाएँ हैं वो क्यों नहीं लागू हुई, यहाँ तक क्यों नहीं संसाधन पहुँचे, यहाँ तक क्यों नहीं विकास पहुँचा, और इस मामले में सख्त होना चाहिए। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि उन्होंने निर्दलीयों को भी विधायक से लेकर सांसद तक जिता के देख लिया, अलग अलग दलों के सांसद से लेकर विधायक तक को जिता के देख लिया, लेकिन यहाँ विकास की जो रफ्तार है बहुत धीमी है। तो एक तरह से ये जो तस्वीर हम आपको ले आए हैं, ज़्यादा पूछने बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कैमरे की नज़र से। अगर आप दूर से देखें तो यहाँ कच्चे घर हैं ज़्यादातर, जो पक्के मकान बन रहे हैं वो भी ईंटों के रखे हुए, ईंटें रखी हुई हैं, वो भी पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं हुए हैं। बहुत दिनों से बिजली का तार नहीं है, लेकिन सोलर पैनल आप लोगों ने लगाया है? हाँ, ये तो अपने पैसों से लगाया, अपने पैसे से लगाए हैं। हाँ, ये कोई सरकारी थोड़ी है, ये सरकारी नहीं है। तो कितना लगाया है सोलर पैनल में, कितना पैसा खर्चा होता होगा बताइए जी? 10-12 हज़ार रुपये लग जाता है, लेकिन शायद, मुझे ध्यान नहीं है, मेरा रिसर्च ठीक नहीं है, सरकार ने भी सोलर पैनल की व्यवस्था की है? हमारे गाँव में कोई नहीं कही। आपके गाँव में तो सड़क भी नहीं है, तो जो जनेश्वर मिश्र या लोहिया सड़क ग्राम योजना के तहत जो गांव में सड़कें बनी हैं, यहां नहीं है बिल्कुल। यहां नहीं है, यहां तो गांव हाँ, है ये सब। यहां तो सब मिट्टी के गांव हैं, और ये सब आप लोग खड़गवंशी समाज के लोग हैं, है ना जी? तो फिर तो राजनीतिक रूप से आप लोग क्या सोचते होंगे जब आप हर हर किसी से निराश? नरक में ही रह रहे हैं जी, जीवन बिताना और क्या, कीड़े मकोड़े के लिए। हां, कीड़े मकोड़े के लिए जीवन बिताना हम, और करना क्या है हम? जब एक बात मानो, कोई सुविधा नहीं मिली, इतनी सरकार में सुविधा हो रही है, हमें कोई सुविधा मिली है? तो जो लोग एमपी एमएलए बनते हैं नहीं आते हैं, एमएलए लोग नहीं आते, वोट दे दें, वोट देना का काम है, भरोसा करके चले जाते हैं। अच्छा, ये तो सड़क तो दिख रही है कि सड़क नहीं है, बिजली आप कह रहे नहीं है, आपने 10-10 हज़ार के सोलर पैनल आप लोगों ने खुद लगवाए, आप मुझे बताइए कि बाकी सुविधाएं, स्कूल और अस्पताल क्या है यहाँ पे? एक स्कूल तो है, अस्पताल नहीं है जी। अस्पताल नहीं है, स्कूल चलता है? एक स्कूल ऐसा चला है, मास्टर राम है, अब खिचड़ी खवाए बालकों को और चले जाएं, और क्या स्कूल चलता है? चलिए, धारणा की बात है, तथ्य पे थोड़ा, स्कूल है, अस्पताल नहीं है यहाँ पे, तो बीमार पड़ते हैं तो आप लोग कहाँ जाते हैं जी? कहाँ जाए हैं भाई, दवाई भी ना मिलती टाइम पर। तो आप लोगों का मुख्य पेशा क्या है, कैसे कमाते हैं आप लोग यहाँ से? अपना रेती उलीचना, रेती उलीचते हैं, और क्या करना, कसला चलाना, रेती उलीचते हैं आप लोग, गंगा की खेती है जी, ऐसा और क्या है, कभी गंगा इधर कर लेती है, कभी उधर कर लेती है। अच्छा, उसी नहर के पास है? अरे इधर गंगा है, इधर भी गंगा है ना, तो गंगा के बहाव के साथ आपका खेती का इलाका बदलते रहता है, सब डूब जाए, सब डूब जाता है। तो ज्यादातर खेती आप, तो फसल बीमा का नाम सुना है आपने? सुना था। तो फसल बीमा कराइए फिर, कराने पड़ेंगे। अभी आपने कराया नहीं? नहीं, अभी नहीं। तो आप लोग वैसे आम तो गर्मी की फसल उगाते हैं, जो खरबूज तरबूज वगैरह होते हैं वो? ये उगती है। तो अपनी जमीन भी है आप लोगों के पास या भूमिहीन है आप लोग? सब ऐसे हैं, जमीनों तो बस बड़े बूढ़ों के नाम है, बड़े बूढ़ों के नाम। जैसे हमें तो आने के लिए यहाँ पुल के कारण बहुत दिक्कत हुई, तो मोटरसाइकिल से लोग ले आए, हेलमेट हम नहीं पहने थे, लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए, वैसे आप लोगों को भी पहनना चाहिए, लेकिन फिर भी आप तक आना था तो मैं आया यहाँ पे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे अखबार वगैरह आता है? अखबार कुछ नहीं आता इस गांव में, अखबार नहीं आता है? नहीं, कहीं किसी के घर में तो आता होगा? ना ना, आता है। आपके घर में नहीं आता है? आपके घर में नहीं आता है? अखबार की कोई सुविधा नहीं है? तो बिजली नहीं है, तो टीवी नहीं देखते होंगे? टीवी भी कुछ नहीं। तो कैसे पता चल रहा होगा कि हिंदुस्तान ने क्या क्या किया? हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हमें तो अपनी खेती से मतलब है, जब क्यों कोई सुविधा ही ना मिलती तो क्या करें? किस बात का फर्क करेंगे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? नहीं, कोई पता नहीं है, कोई सुविधा ही ना हमारे यहाँ, लाइट नहीं, कुछ नहीं, अखबार रास्ता नहीं जाने के लिए, आने के लिए, क्या करें? कोई सुविधा होती पुल उल की तो जो ये लोग अखबार उखबार पहुंचा जा करते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। आइए इधर है, देखिए चली गई वो। तो यहाँ के बच्चे स्कूल में पढ़े लिखे, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं जी? कहाँ, अंगूठा छाप है सब? आप अंगूठा छाप, स्कूल नहीं गए आप? ना। इतनी योजनाएं चली शिक्षा शिक्षित करने,
यहाँ तो शायद कह तो जा मैं कोई लौट के नहीं ना देखता रुका तो वोट तो आप हर बार देते हो ना ऑर्गन है जब बाल को पढ़ाने की सुविधा ना तो क्या करें बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है अब यहाँ से जो इधर मुरादपुर जा रहे हैं बच्चे यहाँ से पढ़ने रास्ता बंद हो जाए तो फिर चौमासे में कितना दूर है यहाँ से जहाँ पढ़ने जाते हैं प्राइवेट में 8-10 किलोमीटर है 10 किलोमीटर है ज़्यादातर आप लोगों के कच्चे घर ही हैं है ना मौन साहब अगर इधर से देखिए सबके कच्चे घर ही हैं ज़्यादातर के तो यहाँ पे एक ही जाति के लोग रहते हैं अलग अलग जाति एक ही जाति सब खड़गवंशी आप लोग कहलाते हैं अच्छा